तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकरम हसन, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद आपको मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर पे आके फंस गया था, क्योंकि आसाम में बहुत बाढ़ आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो आप लोगों को ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद 20 डेज मेरा घर पे हो गया, अभी मैं आज बाहर जाने वाला हूँ कुछ काम के लिए। तो आपको एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा और देख लेना, मजा आया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चले चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट किया। तो सुबह सुबह निकल गया, लेकिन बारिश का मौसम है, तो देखिए आसमान पूरा बादल से घिरा हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसा होने वाला है मौसम। आज हम लोग निकले क्योंकि मेरा जो ये कार है उसको सर्विसिंग करवाना है, तो मेरे साथ जा रहा है शरीफ, तो आपको पता ही होगा फेमस, आजकल ये बहुत फेमस हो गया। तो अभी हम लोग आगे पहुंच चुके हैं अमीन गांव का सरायघाट ब्रिज, जो बना था हम लोगों का ब्रिटिश के ज़माने में 1910 को बना था। इसके बाद इसको अपना इंडिपेंडेंस में 1959 से 1962 तक इसका काम चला, इसके बाद फिर से इसका ओपनिंग हुआ। इसके बाद आज तक इसका 50 इयर्स कंप्लीट हो चुका, फिर भी ये जो ब्रिज है अभी तक टूटा भी नहीं है। अभी तक लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसके एक्सपायरी डेट निकल गया, इसलिए दूसरे साइड पे सेकेंड सरायघाट ब्रिज भी ओपनिंग हो चुका है, जिधर पे आने के लिए ये यूज़ किया जाता है गुवाहाटी से आने के लिए हमारे हाजू तक। तो इधर पे बहुत पानी ही आप लोग देख ही सकते हैं, अभी हम लोग जाएंगे गुवाहाटी। तो अभी हम लोग आके पहुंच गए गुवाहाटी के आदाबारी में, जिधर पे मेरा जो बिमोल स्टोरेज है, जिधर पे हम लोगों का जो कार वैगनर हमने लिए थे, तो उधर पे हम लोग अभी सर्विसिंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों का बहुत दिनों से फ़ोन कॉल आ रहा था कि सर्विसिंग करवाना है, तो आगे और सर्विसिंग करने से हम लोगों का कार चलाने मज़ा भी आता है, तो आगे। और अब हम ये आगे पहुंच चुके हैं बिमोल ऑटो एजेंसी में, तो आप लोग देख सकते हैं ये स्टोरेज जिधर पे हम लोगों ने लिए थे हमारा वैगनर न्यू मॉडल कार। तो अभी हम लोग कार तो नहीं ले वाले, क्योंकि हम लोगों का देखिए आप लोग देख सकते बहुत सारा कार सर्विसिंग के लिए आया हुआ है, तो हम भी आगे। आप लोग पता होगा तो मैं आया था वही बिमोल पे, तो मेरा जिधर पे मेरा कार जो है वो सर्विसिंग के लिए दिया, तो अभी टाइम लगेगा 3 घंटे लगेगा। तो अभी क्या करो, सोच के सामने ही एक मॉल दिखने में मिला, तो इसी मॉल पे अभी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। चलो देखते मॉल पे क्या है। ये मस्त वाला बैठने का जगह भी इधर है, तो मेन रोड के पास ही ये आपका ये एक मॉल है, ये मॉल का नाम क्या है? तो ये मॉल का नाम है NCS क्वाड मॉल, जो अदाबारी में है। तो अभी हम लोग आगे अंदर, तो देखेंगे क्या कलेक्शन बा, क्या मॉल में क्या है वो सब देखेंगे। मतलब हम तो आए थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि मेरा जो सर्विसिंग है उसमें टाइम लगेगा, तो इधर पे आ गए, लेकिन कुछ देखेंगे, लेने वाला चीज़ होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इस मॉल पे तो बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है मोबाइल का, न्यू जो स्टोरेज आया हुआ है, आपका सैमसंग हो, वीवो हो, आपका आईफोन हो, वन प्लस हो, सभी तरह का आपको मोबाइल फ़ोन और आईपैड वगैरह भी, लैपटॉप मशीन सब कुछ इधर पे, मैकेनिकल जितना भी होता है, ऑटोमेटिक हो, न्यू कलेक्शन इधर पे अच्छे से रखा हुआ है। मैंने भी एक एक करके चेक कर लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो आप लोग भी आ सकते हैं, ये आदाबारी में ही है। क्या करने आए हो उधर? हाँ, क्या करने आए हो? देखने के लिए आए हो? देखने के लिए क्यों आए हो? कुछ ले लो। तो ये मॉल मैंने देख लिया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अलग अलग ब्रांड का चीज़ें इधर पे रखा हुआ है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं लिया है, क्योंकि हम लोगों का अलग एक काम के लिए आया था, वो काम में हम लोग बिजी रहे, लेकिन अभी कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लगा है, दोपहर भी हो चुका है, टाइम बहुत ले रहा है, पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोगों को तो खाना है, तो एक एक करके कुछ ले लिया खाने के लिए। तो अभी और फिर से जाएंगे सर्विस सेंटर में। तो अभी तक मेरा कार का काम स्टार्ट हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो न्यू जो कलेक्शन आया हुआ है कार का, तो वो देखने के लिए। तो ऊपर आके पता चला कि जो मैंने जो लिया था अगेनर, वही एक न्यू मॉडल, इसके बाद एल्ट्रो का न्यू मॉडल एक आया हुआ है, और एक न्यू मॉडल जो है स्विफ्ट डिजायर, जो आजकल दो भाग में डिवाइड हो गया, स्विफ्ट और डिजायर अलग अलग कर मिलता है। और सामने जो देख रहे हैं आप लोग जो मॉल, वही मॉल में हम लोग गए थे। तो हमारा जो कार का काम अभी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग वेटिंग रूम पे आके टीवी में कपिल शर्मा के शो पे मजे उठा के बहुत ही कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद थोड़ी देर में हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। आप सुन
सुधरा हो गया हमारा कार, तो सर्विसिंग करके बहुत ही मजा आया क्योंकि कार चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। तो ऐसा करके बहुत टाइम लग गया, सोचा था कि कम ही टाइम में हो जाए, लेकिन पूरा शाम हो गया अभी सर्विसिंग होते होते। तो लेकिन काम अच्छा हुआ, तो जाते इतना अच्छा मौसम दे रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। तो आज का ब्लॉग इधर पे खत्म करते हैं, मिलके अगले ब्लॉग पे, तो बाय बाय।